हेलो एंड वेलकम टू लर्नर आई एंड स्वागत है आप सभी का नेशनल इनकम अकाउंटिंग की सीरीज में एंड एक ग्यारहवां लेसन होने वाला है हमारा जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस पहले तो ये समझेंगे कि कैपिटल लॉस होता क्या है देन उसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानेंगे उससे पहले आईव रिकमेंड की डेप्रिसिएशन पे हमने पहले ही एक वीडियो बना रखा है सो आईड रिकमेंड आप पहले उसको देखें देखें देन इस वीडियो को सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड डेप्रिसिएशन वर्सेस कैपिटल लॉस डेप्रिसिएशन हमने पहले ही पढ़ा था कि जब भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स में बिजनेस के फिक्स्ड एसेट्स में विच इज़ द पार्ट ऑफ कैपिटल स्टॉक उसमें अगर उसके वैल्यू में फॉल होता है उसकी वैल्यू में अगर गिरावट आती है वाई बिकॉज ऑफ नॉर्मल वीरेंटियर कि कलपुर से टूट गया एक्सेसिव यूज़ के चलते पैसेज ऑफ टाइम टाइम के चलते मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब सिंपल ऑटोमोबाइल का हमने एग्जांपल लिया था कि जो ऑटोमोबाइल आप यू नो शोरूम में पच्चीस लाख के खरीदते हैं वो सिर्फ पाँच मिनट बाद जब यू नो रोड पर आ जाती है तब भी वो आपकी पच्चीस लाख की नहीं बिकेगी इफ़ यू आर गोइंग टू सेल इट ऑन द मार्केट तो वो आपकी पच्चीस लाख रुपये की कभी नहीं बिकेगी सो so, आप सिंपल सिंपली यहाँ देख सकते हैं कि पैसेज ऑफ टाइम कितना ज़्यादा मैटर करता है प्रीमियम प्रोडक्ट्स में कि जिस प्रोडक्ट को हमने इतने पैसे दे खरीदा था एंड शोरूम से बाहर निकलती है उसकी वैल्यू गिर गई सो दिस इज द कॉन्सेप्ट या एक्सपेक्टेड मीन की जो चिंकि टेक्नोलॉजी होगी या अब जो एसेट है वो इन एफिसियंट हो गया इसका भी एग्जाम्पल हमने लिया था पहले की पैडफोन बहुत ज्यादा एफिसियंट होते थे आज से दस साल पहले अभी कोई की पैड फोन नहीं खरीदना चाहेगा बिकॉज दे आर नाव नो मोर आई वर्जन नाउ कैपिटल लॉस क्या होता है कैपिटल लॉस इज सिमिलर प्रिटिव सिमिलर टू डेप्रिसिएशन बट इसमें क्या होता है इसमें भी एसेट में नुकसान हुई रहा है फिक्सड एसेट में इसमें भी नुकसान होता है बट लुक एट द टर्म लॉस यहाँ पे फॉल इन द वैल्यू होता था यहाँ पे लॉस होता है नुकसान होता है हमें हानि होती है कैसे होता है एंड डेप्रिसिए डेप्रिसिएशन फोरसिन होता है मतलब हम इसको एक्सपेक्ट करते हैं वी एक्सपेक्ट द फिक्सड एसेट्स टू बी डेप्रिसिएटेड इसीलिए तो हम प्रोविजन करते हैं ना लाइक like हमें पता है कि जो एसेट हम आज खरीद रहे हैं लाइक इफ़ यू आर परचेजिंग मशीनरी वर्थ एट लैक्स नहीं होने वाला है ये एट लैख ,00 की कभी नहीं बिकेगी रीजनल uh, कुछ भी हो सकता है पैसे ऑफ टाइम या एफिशेंसी uh, कम होगी या टेक्नोलॉजी चेंज होगी कुछ भी हो सकता है लेकिन कैपिटल लॉस में जो फिक्स एसेट्स में वैल्यू का लॉस होता है वो होता है किसी अनफोर्सिन का के चलते लाइक like कोई एक्सीडेंट हो गया या हमारी यू नो फैक्ट्री में आग लग गई इससे हमारे फिक्स एसेट चल के राख होगा तो नेचुरल कैलामिटीज़ कैन बी द रीज़न थिट्स कैन बी द रीज़न एंड अनफोसिन एक्सीडेंट्स कैन ऑल्सो बी द रीजन सो इसमें जो फिक्सड uh, एसेट्स में गिरावट आती है इसकी वैल्यू में ये गिरावट क्या क्या है पूरी की पूरी लॉस ही हो जाती है अगर uh, हमारा एसेट चोरी हो गया या कोई यू नो नेचुरल कैलामिटीज़ प्राकृतिक आपदा के दौरान हमारी कुछ यू नो प्लांट में क्षति पहुंची तो उससे भी हमारा जो फिक्स्ड एसेट है उसको नुकसान पहुंचता है तो दैट वुड बी काउंटेड इन

नाउ जो अगला रीजन है हमारा सिंस डेप्रेशन इज फोर सीन लॉस डेप्रिसिएशन सबको पता है कि होना ही होना सो एवरी बिजनेस ओनर मेक प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन तो प्रोविजन इज मेड फॉर द डेप्रिसिएशन एज वी कैन फोर सीन द लॉस कि हम हम समझ सकते हैं कि भाई डेप्रिसिएशन तो होगा ही होगा बट कैपिटल लॉस इज नॉट फोर सीन सो इट इज बेसिकली अनफोरसिन लॉस तो इसके लिए कोई भी बिजनेस प्रोविज़न नहीं बनाती है इसके लिए कोई भी बिजनेस अलायस नहीं तैयार करती है बिकॉज नो बी नोज की कब आग लगेगी कब यू नो नेचुरल कैलमिटीज हट करेंगे या कब चोरी हो जाए कब यू नो एक्सीडेंट हो जाए या सिंपल आजकल के जमाने में जहाँ डेटा साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कब कुछ आ, हैकिंग की प्रक्रिया हो जाए सो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट कि कैपिटल लॉस के प्रोविजन कोई नहीं बनाते हैं पर कैपिटल लॉस के लिए कोई कोई अलायंस नहीं तैयार करके रखते हैं कि भाई देखो हमारे बिजनेस का टर्न मान लीजिए कि थाउजेंड करोड़ है तो इसमें हम ऐसा मान के चलते हैं कि इसमें एक करोड़ रुपए का सालाना हमारा कैपिटल लॉस होगा दिस इज नॉट द थिंग दिस इज नॉट हाउ द थिंग वर्क्स ऐसे नहीं चलती है क्योंकि कैपिटल लॉस आप एक्सपेक्ट कर ही सकते negative Depreciation चलो हमको पता है कि भाई धीरे धीरे मशीनरी की एफिशियं घटती जाती है इसीलिए हमें डिप्रेशिएशन चार्ज करना जरूरी है बट कैपिटल लॉस इज नक्सपेक्ट फोर लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है अब डेप्रिसिएशन तो सालाना होगा हर एक फिक्स्ड एसेट पे लेकिन डेप्रिसिएशन के बावजूद भी हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो हंडर नहीं होता बिकॉज वी मेक प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन एंड उसके हिसाब से हम एस एस भी करते हैं अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को ज्यादा ज्यादा पुरानी अगर मशीनरी हो गई तो उसको रिप्लेस भी कर देते हैं सो बेसिकली डेप्रिसिएशन इफ हैपेंस तो ये हंडर नहीं करता प्रोडक्शन प्रोसेस को बेसिकली ऑब्स्टिकल uh, नहीं डालता प्रोडक्शन प्रोसेस में बट कैपिटल लॉस कैन हंडर द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इट डज हंडल द प्रोडक्शन प्रोसेस अगर आपकी फैक्ट्री में आग लगी तो यू कैन नॉट प्रोडूस एनी थिंग Uh, for a couple of months or two, so this is the thing: ki, capital loss hinders the production process, whereas depreciation does not hinder the production process because we make provision for, provisions for them, and we, you know, assess our production capacity from time to time. So essentially, depreciation does not hinder the production process, while capital loss does. Now, that's it for today. Yehi difference tha, depreciation and capital loss. Mein. Capital loss is saath ek cheez aur term hota, windfall gains. विंडफॉल गेंस इज़ नथिंग बट जैसा ये हमारा अनफोर्सिंग लॉस होता है ना कैपिटल लॉस कि हमें पता नहीं कि कब आग लग जाए फैक्ट्री में वैसे ही विंडफॉलॉल गेंस यहाँ गेन की बात हो रही है विंडफॉल गेंस लाइक अनएक्सपेक्टेड गेन हमें पता नहीं कि हम जीत भी जाएंगे जैसे हम आप, आप दो तीन साल पहले लॉटरी खरीद के लिख लिए एंड सिम्पल आपने अभी भी अगर लॉटरी खरीद के रखी है तो आपको पता नहीं कि आप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे हाँ एक होप होता बट यू आर नॉट श्योर तो इससे क्या होता है कि आप जब लॉटरी आपके लगी जयपोर्ट आपका लग गया तो दिस वुड बी काउंटेड इन द कैटेगरी ऑफ विंड सिंपली आपकी को, आपके कोई माम उन्होंने अपनी जब लेगेसी बनाई वसीयत बनाई तो उसमें आपको बहुत भारी जायदाद कमा लिया बना दिया सो so, ये भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर तो दिस दिस इज इज ऑल अबाउट विंड फॉल गेम्स विंडफॉल्स इज नथिंग बट अनएक्सपेक्टेड गेम्स सो दैट्स इट फॉर टुडे होप यू हैव एंजॉयड इट थैंक्स फॉर थैंक्सॉर हैव अ ग्रेट डे